ये सबका सेटिंग हो सकता है। कैसे होगा, ये जो ब्लैक नॉब है इसको आप ढीला करिए, ठीक है, ढीला किया और इस इसको अगर लेफ्ट में पुश कर देंगे और लॉक कर देंगे ये चालू हो जाएगा। तो अभी आपको दिखा, देखिए कौन सा एक गन चल रहा है, ठीक है, अब एक गन चल रहा है, राइट आएगा तो राइट वाला चलेगा, अब इधर कर देंगे राइट वाला चलेगा, वो ये गन चलेगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों चलाना है तो इसको सेंटर में कर दीजिए, दोनों सेंटर में, ठीक है, क्योंकि क्या है जैसे चार, अभी बताता हूँ वन बाई वन इसको आप, तो इंजन का आरपीएम का तो पता चल गया, लो पर रखिए चालू, अभी आपका यहाँ फंसा हुआ है, पूरा शिफ्ट करिए पूरा, ये बाहर आए शायद चार ही है, अब बंद कर दीजिए, एक ही चल रहा है ना, देखिए और आप इसको पूरा इधर शिफ्ट करिए लेफ्ट में, ठीक है, तो एक दूसरा गन चल रहा है, ठीक है, अभी दोनों में सेंटर में कर दिए, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, अब आगे जो टिप का बता रहा था एक बार आगे जाइए आप, आप इसमें जो पैटर्न निकल रहा है उसका साइज देखिएगा, ये ऐसे निकल रहा है ना, हाँ घुमा देंगे तो उसका दिशा चेंज हो जाएगा, ठीक है सर, फिर ऐसे हो जाएगा, आप करिए ऐसे हो रहा है, आपको ऐसा तो मारना नहीं, ऐसा तो मारना, ठीक है, तो पोजीशन हमेशा ये रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे पोजिशन दोनों गन एक पोजीशन जैसे यहाँ पे है, इसको आप बेसिकली जैसे इसको ढीला किया है तो ये नीचे भी चला जाएगा एकदम लो लेवल पे, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका लेवल बढ़ा सकते हो जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप लेवल घटा सकते हो, लेवल को बढ़ा सकते हो, तो इतने लेवल है, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन की, जैसे अंदर बाहर करने अभी तो सीधी जमीन है, कुछ अगर ऐसी सरफेस है उसको पेंट करना है तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे करेंगे और ऐसे पेंट करते हैं, चलिए
दबाइएगा, शेयर करिए, अब ठीक है करते रहिए। अब ये देख रहे हैं ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है अब बंद करिए। आप करिए, अब देखिए जाके मैच हुआ ना, आप भी मैच बोला था, नहीं मैच और होने हो रहा तो उसमें बेसिकली क्या है डाउन कर करिए, ठीक है जय बन रहा है, आप करिए ठीक है। तो वो हाइट से भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, हाइट से भी हाइट बन जाएगी, जितना ऊपर है उतना चढ़ाई उसका करेगा, जितना नीचे करेंगे उतना ऐसा चढ़ाई जाते समझे, समझ गया। हमें बारह अभी देखिए पानी के केस में क्या होता है, पानी पतला है तो वो कितना बेटर होता है, पेंट जो है वो फैलता है, ज़्यादा लेगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या होता है कि आपको हमेशा जब भी मशीन को बंद करना है प्रेशर डाउन कर, प्रेशर जीरो कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए ठीक है, फिर देखिए प्रेशर जीरो होना चाहिए, इसको ऑन कर दीजिए ठीक है। उस तरीके से अगर आप हाई प्रेशर पे और मशीन को स्टार्ट करोगे वो बंद हो जाएगी, लोड नहीं लेगी, जीरो प्रेशर पे करना है। तो एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी बंदा चलती मशीन के पास इस सेक्शन में कुछ भी नहीं छूएगा क्योंकि इसमें ना ये सब पोर्शन गर्म है ठीक है, और बहुत गर्म, और गर्मी में काम करोगे तो डबल गर्मी है ठीक है, तो सोने से जल जाएगा, यहाँ नहीं आएगा कोई यहाँ पे, ये तो ये मेरा सेक्शन है, ये सक करेगा, ये सर्कुलेट करेगा ठीक है। जब सिंपल सी लैंग्वेज है कि जब मैं मशीन यूज नहीं कर रहा हूँ और बंद भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर कुछ सेटिंग करनी है, उतनी देर में सर्कुलेशन में डाल दीजिए, इंजन आरपीएम को लो कर दीजिए ठीक है, चालू रहने दीजिए, और अगर बंद कर रहे हैं आधे घंटे ज्यादा तो मशीन को साफ करो, 10-15 मिनट तक कोई इशू नहीं है बंद करने चालू रखने में, लेकिन अगर आधे घंटे ज्यादा आप बंद कर रहे हो तो पहले क्लीन कर दो मशीन को फिर जाओ। लंच अगर जाना तो वो साफ करके जाना है, नहीं तो जम जाएगा, जमने लगेगा ना, तो एक बार जमा तो जमते चला जाएगा और वो जब चोक कर देगा, लड़ाई अपनी लिया ना अंदर। हाँ जी हाँ जी जाना, ये मेरा हाइड्रोलिक ऑयल है ठीक है, ये इसमें ये पूरा हाइड्रोलिक, अभी मैं समझा देता हूँ क्या है, इसका जो लेवल है इसमें मार्क है, कपड़ा लाऊं उससे पूछ हाँ ये ठीक है, यहाँ तक आया तो ऐड करना है, ये फुल है ठीक है, सर इसका भी चेंज करा होगा ना ठीक है, ये देखिए फुल पे है अभी ठीक है, तो ये अभी फुल है, आपको ये चेक करते रहना है, मतलब मान के चलिए 15 दिन में एक बार देख लिया खोल के कि हाइड्रोलिक ऑयल, वैसे तो ये क्लोज साइकिल में चलता है, लीक कहीं होने की चांस ही नहीं है, लीक होगा तो आपको दिखेगा ठीक है, वैसे होता नहीं कभी भी। तो अभी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये इसका इंजन है
ठीक है। एक और चीज़ मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसको ब्रेक लगी है। क्या बोला आप? अब ये इंजन जो है मेरा, ये शाफ्ट से इस पुली को रन कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्ट हो रहा है, ये सेक्शन जो है ये मेरा पूरा हाइड्रोलिक है, ठीक है। ना तो आपको इसमें कुछ छेड़ना है कभी, इसके अंदर से ऑयल चेंज करना है, इसका फिल्टर चेक करना है, यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है। ये फिल्टर है, ये खुल के चेंज होगा, ये मिल जाता है मार्केट में होंडा का, ये 6 महीने में एक बार या साल, जो पे जैसे गाड़ियों में होता है ना चेंज, हवा मरवा दे करेंगे ना सर, देखा हवा मार के क्लीन भी हो जाएगा, उसको कोई इशू नहीं है। इसका मैनुअल है, होंडा का मैनुअल अंदर रखा है, ये एयर फिल्टर है, नहीं ऑयल फिल्टर इसमें अंदर अलग है, उसका चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस भी आप दोगे, मतलब सर्विसेज वगैरह वो कब कब होती है? एक बार मेरा बंदा विजिट करेगा, वो पूरा इंस्पेक्ट कर लेगा, वो कब आएगा? 6 महीने बाद, वो अप्रॉक्स 3-4 महीने बाद मैं भेज दूंगा, तभी जरूरत पड़ेगी। दिसंबर बाई चांस उस समय कुछ स्पेयर चेंज करना है, दोबारा दिसंबर में स्टार्ट है इसके बाद। ओके, हाँ उससे पहले एक बार कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ना, ये होंडा इंजन का मैनुअल है, ये मैं मैनुअल ई कॉपी भी भेज दूंगा, तो इसको आप बंद करिए। सर अगर बेल्ट चेंज करनी पड़े, हाँ कैसे बेल्ट चेंज आपको अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं, कभी तभी चेंज करना है तो ये आप यहाँ से उतर जाएगी आराम से, ये उड़ जाता है बेसिकली, यहाँ से खोलेंगे ना ये उड़ जाता है थोड़ा सा, ये ढीली हो जाएगी, ये निकल जाएगी आराम से, फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है सर। उसमें कोई टफ जॉब नहीं है, वो आराम से हो जाएगा, बेल्ट आपको छेड़नी नहीं है, बेल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चलेगी 2-3 साल तक, कुछ अभी तो चलेगी सर, कभी जरूरत पड़े वो हमें आपको फिर मेंटेनेंस सर्विस इन्होंने देनी है ना, ठीक है कर दे सर। यहाँ पे बस कभी फंसता है ना कुछ, हाँ जी, तो आपको मैनुअली ये खोलना है, ऐसे तो इसकी पैकिंग की पोजीशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, यही रहे ये। जब सर इसको शाम को जैसे काम सारे दिन कर लिया, इसको तो एक बार फिल्टर साफ करना, और इसको किसी टूल से मत टाइट करिएगा, ठीक है सर, ये इंजीनियर प्रोडक्ट है, आप ऐसे छोड़ दोगे कोई लीकेज नहीं होगा, ठीक है, और ऐसे ही खुल जाएगा ये, ठीक है सर। प्रेशर में कभी नहीं खोलना है, प्रेशर में कैसे खुलेगा, प्रेशर में कैसे खुलेगा, खुल जाएगा लेकिन आप खुल जाएगा पूरा चिता पर जाता है, तो ध्यान रखिएगा, लापरवाही में हो जाता है, लापरवाही में हो जाता है, ये जब प्रेशर खुलेंगे पूरा प्रेशर बड़े मुंह पर, और आगे का व्हील का लॉक का समझ में आ गया ना, आगे का भी समझ, इससे ये लॉक खुल गया, हाँ ये लॉक अभी जैसे ट्रिगर नहीं करोगे ना, वो लॉक है, लॉक है, आप घुमा जैसे घूम गया था हमसे ना, वो पीछे घुमा के करोगे तो लॉक है, और इसको दबाओगे तो वो लॉक खुल जाता है, ठीक है, पूरा दबा देंगे तो लॉक खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा, फिर आपकी गाड़ी घूम जाएगी, इधर वाला लगा, अच्छा ब्रेक लगा, चलिए बताओ भी चल गया ढीला, जैसे इसको कर दिया तो घूम गया ना, हाँ वो कार देखना तो घूमेगा, नहीं तो सीधा घुमा दीजिए उसको, ये इधर से आ रहा था, ये ऊपर करना था, ऊपर करने की है, वो करते ही होगा ना, नहीं वो क्लैंप कर देता है ना, वो इसमें क्लैंप कर देंगे यहाँ पे, दबाने को लॉक हो जाएगा।